आज हम बात करेंगे एंकल फ्रैक्चर के बारे में। एंकल फ्रैक्चर का रिकवरी कितने समय में होती है और एंकल फ्रैक्चर में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, अगर जैसे कि पैर में सूजन आ जाना, एंकल का नहीं मोड़ना और एंकल में स्टिफनेस का हो जाना और एंकल का लोड ना लेना, सीढ़ियां नहीं चढ़ मिलना, और इन सबको कैसे दूर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑपरेशन होगा या प्लास्टर चढ़ता है तो ये कितने समय में रिकवर होता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सेकंड, मैं डॉक्टर नयन सिंह, मैनुअल कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम फ्रॉम बरेली, बाबा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही अपने कमेंट को भी करें, अगर कोई समस्या है तो उसको डिटेल में बताया करो, इससे कि मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होके आप वहाँ एक्सरे रिपोर्ट वगैरह भेज सकते हो। देखिएगा, जो एंकल फ्रैक्चर होता है, एंकल फ्रैक्चर यानी एंकल के पहले फ्रैक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टीबिया और फ्यूबला और टैलस, मतलब जो पैर की टीबिया फ्यूबला बोन और एंकल में कैलकेनियस जो नीचे की हील बोन होती है उससे ऊपर एक टैलस बोन होती है, इन बोनों से मिलके जो हमारा एंकल जो है जॉइंट बना होता है। तो अगर इसमें फ्रैक्चर होता है, ज्यादातर तो कैलकेनियस फ्रैक्चर होता है या टीबिया फ्यूबला, मीडियल मैलुलस या लेटरल मैलुलस। तो इसमें जो है मीडियल माने अंदर की साइड वाला होता है या पैर के बाहर वाला साइड, तो इनमें से कोई सा हो जाता है तो डॉक्टर उसमें जो रिडक्शन करने करके जो उसको फिक्स करते हैं या उसमें जो है सर्जरी जिसमें TPW बाहर होता है और उसमें एक प्लास्टर, अगर प्लास्टर भी चढ़ा सकते हैं, प्लास्टर का टाइमिंग 3 to 6 weeks का हो सकता है जिसमें अधिक भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये फ्रैक्चर नहीं भी जुड़ता है तो उसमें क्या होता है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है आई बटन पे, उसको बाद में आप जरूर देखना। और आपको अगर प्लास्टर उसमें लगता है तो प्लास्टर में ये सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि प्लास्टर हटने के बाद पैर में, एंकल में सूजन आ जाना, पैर का नहीं मुड़ना और हमारा लोड ना लेना, दर्द करना, ये कुछ छोटी छोटी समस्याएं जो हमको हो सकती हैं। उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमको थेरेपी करानी चाहिए, और वैसे मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आई बटन पे जाके आप उसको जरूर देखना, बाद में वीडियो कहीं नहीं जाने वाली है, उसको बाद में देख लेना, वीडियो पूरा देखो, बहुत समझ में आने वाला है। और अगर एंकल में और भी दिक्कत होती है ऐसे बाद में, अगर मान ली कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद मतलब फिक्सेशन करने के बाद कितने समय में रिकवर हो जाएंगे, उसमें अगर कोई बाहर पड़ा है या कोई हमारे तार वगैरह पड़ने के बाद जो है हमारे सर्जरी, हम चलने को डॉक्टर ने बोल रखा है लेकिन हमारा पैर मुड़ना नहीं रहा है, तो उसमें हमको जैसे इन्वर्जन, इवर्जन, फ्लेक्शन और हमारा जो है प्लांटर फ्लेक्शन और हमारा डोर्सी फ्लेक्शन, ये सारे मूवमेंट नहीं हो रहे, यानी पैर मुड़ नहीं रहा ऐसे एंकल और सीधा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा एंकल, तो उसमें जो मैंने आई बटन पे वीडियो बना रखी है उसको जरूर देखना, ये सारे मूवमेंट उसमें होते हैं। एंकल रिकवरी जो है तकरीबन में 2 से 3 महीने में हो जाती है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख रहे हैं कि और कोई फ्रैक्चर हुआ हाथ का, टीबिया, फ्यूबला, नी का, तो उसके आई बटन पे जो वीडियो प्लेलिस्ट आ रही है उसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं, उन सबको देखना बाद में। और मैं आपको बता दूं आप अच्छे से अपने डाइट को लेंगे तो फ्रैक्चर जल्दी रिकवर होता है, अगर हमारे प्लास्टर हट जाता है उसके बाद हमको एक्सरसाइज कराने की जरूरत होती है, सिकाई कराने की जरूरत होती है, इससे हमारा पैर जल्दी ठीक हो जाता है। अब लोग पूछेंगे कि हमारा प्लास्टर या हमारे जो है प्लास्टर कास्ट का हटने के बाद हम कितने समय में नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या आपको कितने समय फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, तो उसका जवाब भी मैं देता हूं आपको। देखिएगा, अगर एंकल में कोई फ्रैक्चर हुआ या कहीं का भी, जितने समय हमारे प्लास्टर बंधा होता है उतना ही समय मान के चलो कि फिजियोथेरेपी या हमें एक्सरसाइज वगैरह करने में हमें लग सकता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां वगैरह चलती नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा जो वहां का स्टॉप हो जाता है थोड़ा, इसके कारण वहां स्टिफनेस ही आ जाती है और मूवमेंट नहीं होते हैं, उनको भी हमें चलाना जरूरी होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको लगता है यहाँ क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी मिलता है तो। देखिएगा, एंड स्क्रीन कार्ड पे वीडियो आ रही है, आप इनको भी देख लीजिएगा, अगर आपको कोई समस्या है तो आप आराम से कमेंट करो और पूरी समस्या को आराम से बताओ, जिससे कि मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं नयन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक के साथ में, एंड स्क्रीन कार्ड पे वीडियो आ रही है, इनको देख लीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।